नमस्कार, मैं आचार्य वर्षा माटा। मैं आज फिर आपके साथ हूँ मेरे टैरो कार्ड के साथ। आज है सोमवार और आप सभी को इंतजार होगा कि आज आपकी राशि के लिए टैरो कार्ड्स क्या लेकर आए हैं। तो शुरू करते हैं पहली राशि मेष राशि के साथ। मेष राशि वालों को ये सप्ताह अपने काम काज को लेके थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन हो सकती है। प्लान बहुत ज़्यादा बना सकते हैं मगर प्लान में डिलेज होने की वजह से कभी कभी कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। मगर यदि आप अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखते हैं और बोल्ड स्टेप ले लेते हैं तो आपके काम जल्दी ही कंप्लीट हो जाएंगे। साथ ही साथ कुछ ही पुरानी समस्या को लेकर कार्ड्स ये कह रहे हैं कि अपने आप को फ्लो के साथ छोड़ दीजिए, हाथ पैर मत मारिए, क्योंकि जब आप फ्लो के साथ अपने आप को छोड़ देते हैं यानी सरेंडर कर देते हैं तो समस्या का हल आपको मिल ही जाता है। एंजल्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि याद रखें, जिद से आप अपनी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आपके लिए लकी कलर है ब्लैक और आपके लिए लकी नंबर है 2। अगली राशि वृष राशि की ओर बढ़ते हैं। तो वृष राशि वालों के लिए कार्ड्स काफ़ी पॉजिटिव आए हैं। वृष राशि वालों को कार्ड्स ये कहना चाहते हैं कि जिनके कोर्ट कचहरी के मामले अटके हुए थे उनके वो मामले इस सप्ताह में सुलझते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ जिनको फाइनेंसिस की उम्मीद है कहीं से, उनको कोई बड़ी मदद मिल सकती है किसी वेल विशर की तरफ से। जो लोग काफ़ी समय से शादी तय होने का इंतज़ार कर रहे थे उनके लिए भी ये सप्ताह कोई गुड न्यूज़ लेकर आ रहा है। एंजल्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि सफलता चाहिए तो रिस्क लेने से घबराइए नहीं। भाई जब काम को कंप्लीट करना है तो आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा, यहीं पर रुककर अगर खड़े हो जाएंगे तो नए रास्ते कैसे खुलेंगे। आपके लिए लकी कलर है येलो और आपके लिए लकी नंबर है 3। नेक्स्ट राशि की ओर बढ़ते हैं मिथुन राशि। तो भाई मिथुन राशि वालों को ये सप्ताह काफ़ी ज़्यादा अवेयर रहने की ज़रूरत है। किसी पर भी ब्लाइंड फेथ करना ये सप्ताह में आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। मगर साथ ही साथ कार्ड्स ये सप्ताह आपके लिए काफ़ी सारा फाइनेंशियल प्रॉफिट भी लेकर आ रहे हैं, तो इस मामले में भी किसी से ये बात शेयर न करें, किसी को न बताएं, क्योंकि ये वीक में आपको बिल्कुल किसी पर ट्रस्ट नहीं करना है। एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि विश्वास रखें, जीत आपकी ही होगी। जी हाँ, हमारा विश्वास ही हमें जीत की तरफ और धकेलता रहता है, तो विश्वास का दामन कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। आपके लिए लकी कलर है येलो और आपके लिए लकी नंबर है 4। नेक्स्ट राशि कर्क राशि की ओर बढ़ते हैं। तो कर्क राशि वालों के लिए भी कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आए हैं। कोई वेल विशर या ईश्वर उनका ध्यान रख रहा है, तो कुछ भी गलत होने से पहले वो आपको बचा ही लेंगे। साथ ही साथ कोई कोर्ट कचहरी के कागजात अगर आप साइन करने वाले हैं तो उसमें आपको बहुत ध्यान रखना होगा। आंखें बंद करके कोई भी पेपर पर आप साइन न करें। साथ ही साथ करियर को लेके नई सक्सेस की तरफ आप इस हफ्ते में बढ़ने वाले हैं। एंजल्स आपसे ये मैसेज कहना चाहते हैं कि हमेशा सत्य बोलें और अपनी सभी चिंताओं को त्याग कर आगे बढ़ें। आपके लिए लकी कलर है ऑरेंज और आपके लिए लकी नंबर है 5। नेक्स्ट राशि सिंह राशि की ओर बढ़ते हैं। तो सिंह राशि वालों को भी ये सप्ताह बहुत ज़्यादा अवेयर रहने की ज़रूरत है। कोई विश्वासघात या धोखा भी उनके साथ इस सप्ताह में किया जा सकता है, जो कि उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन का कारण बन सकता है और इसी वजह से कोई खास रिश्ता आपसे छूट भी सकता है। तो ध्यान रखें, अवेयर रहें, क्योंकि अवेयरनेस से बड़ी समस्या को सुलझाया जा सकता है। एंजल्स आपसे कहना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा सहनशील बने और अपने अंतर्मन के संदेशों को सुने। तो आपकी गट फीलिंग अगर किसी के लिए अच्छी नहीं आ रही है तो इसकी तरफ आप ज़रूर ध्यान दें, अपनी गट फीलिंग को आप ज़रूर सुने। आपके लिए लकी कलर है पर्पल और आपके लिए लकी नंबर है 1। नेक्स्ट राशि कन्या राशि। तो कन्या राशि वाले फाइनेंसिस को लेकर काफ़ी उलझे हुए नज़र आ रहे हैं। या तो कहीं पर इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं, उसमें कंफ्यूजन है, या फिर सिर्फ सोच ही सोच में अपना समय और एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। तो बिल्कुल वेस्ट ना करें अपने समय और एनर्जी को और इसका भरपूर फ़ायदा उठाएँ, क्योंकि जैसे ही आप कोई निर्णय लेंगे आपके लिए वो फायदेमंद ही
साबित होगा। एंजल्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि ऊंचा उड़ने से भयभीत ना हो, जब आगे बढ़ना ही है तो घबराइए नहीं, विश्वास रखिए अपने ऊपर, कॉन्फिडेंस रखिए और निर्णय ले लीजिए, क्योंकि निर्णय लेंगे तभी आगे आप रास्ता खुलता हुआ देख पाएंगे। आपके लिए लकी कलर है पिंक और आपके लिए लकी नंबर है 6। अगली राशि तुला राशि की ओर बढ़ते हैं तो तुला राशि वालों को ये सप्ताह थोड़ी सी टेंशन दिखाई दे रही है, कोई छोटा मोटा नुकसान भी दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ कोई विश्वासघात भी उनके साथ कर सकता है। तो अगर अपना आँख नाक कान और दिमाग को वो खुला रखते हैं तो सप्ताह आराम से बीत जाएगा, अदरवाइज थोड़ी सी टेंशन के साथ उनका ये वीक बीत पाएगा। एंजल्स आपके लिए मैसेज लाए कि आप अपने सभी कन्फ्यूजन्स को दूर करें क्योंकि फैसले का सही समय आ चुका है। आपके लिए लकी कलर है वॉयलेट और आपके लिए लकी नंबर है 2। नेक्स्ट राशि वृश्चिक राशि की ओर बढ़ते हैं तो वृश्चिक राशि वाले ये हफ्ता कोई बहुत बड़ी जिद ठाने हुए हैं और अपनी उस जिद को वो पूरा भी करना चाहते हैं, मगर साथ ही साथ उनके वेल विशर्स या उनके फैमिली के एल्डर्स उनको समझा भी रहे हैं कि अपनी जिद का त्याग करें और अपने काम को दूसरे तरीके से करने की कोशिश करें। तो यदि ऐसी कोई भी सिचुएशन आपके सामने है तो अपने घर के बड़ों की या अपने वेल विशर्स की बात को आप ज़रूर सुने और माने भी, क्योंकि मानने में ही आपकी भलाई दिखाई दे रही है। एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपकी हर असफलता आपको और मजबूत बनाती है, क्योंकि हमारी हर असफलता, जब भी हम कुछ लूज करते हैं तो हमें लाइफ से एक नया लेसन मिलता है और हम इस लाइफ को अब कुछ लेसन्स लेकर ही जीने के लिए इस धरती पर भेजे गए हैं। आपके लिए लकी कलर है ब्राउन और आपके लिए लकी नंबर है 8। अगली राशि है धनु राशि, तो धनु राशि वाले के लिए कार्ड्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आ रहे हैं। धनु राशि वालों का ये सप्ताह पूरी तरह से अपने परिवार और दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करते हुए बीतने वाला है और साथ ही साथ अपने करियर को भी वो काफ़ी ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। पास्ट में किए हुए इन्वेस्टमेंट्स का फायदा भी इस वीक में उनको होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंजल्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि लोगों पर ट्रस्ट करें, जिन्होंने आपके साथ कभी भी जाने अनजाने कुछ गलत कर दिया उनको अपने दिल से क्षमा कर दें। आपके लिए लकी कलर है डार्क ब्लू और आपके लिए लकी नंबर है 3। नेक्स्ट राशि मकर राशि की ओर बढ़ते हैं तो भाई मकर राशि वालों को ये वीक बहुत ज़्यादा अपना दिमाग खुला रखने की ज़रूरत है। उनको सिचुएशन कोई और दिखाई जा सकती है और उनको रिजल्ट कोई और मिल सकता है, यानी कि ये वीक आप बिल्कुल विश्वास न करें किसी की भी झूठी बातों में और साथ ही साथ अपने प्लान्स को सिर्फ अपने तक छुपा कर रखें, किसी से भी अपने प्लान्स को शेयर न करें, नहीं तो आपके प्लान्स को चुराया जा सकता है या ख़राब किया जा सकता है। एंजल्स आपके लिए मैसेज लाए हैं कि आपने अपनी लाइफ को अपने हाथों से बनाया है और आप में ये पावर है कि आप इसको संवार भी सकते हैं, तो अपनी इस पावर को पहचानें और उसको भरपूर यूज़ करें। आपके लिए लकी कलर है फिरोजी और आपके लिए लकी नंबर है 9। सेकेंड लास्ट राशि है कुंभ राशि, तो कुंभ राशि वालों के लिए मिक्स कार्ड्स आ रहे हैं। रिलेशनशिप को लेकर अगर हम देखें तो रिलेशनशिप उनकी काफ़ी इम्प्रूव्ड नज़र आ रही है। जिन लोगों की शादी नहीं हुई है या किसी से दोस्ती नहीं हुई है तो इसमें भी काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं, मगर साथ ही साथ कुछ प्लान्स पर काम करने का जो सोचा हुआ है वो नहीं कर पाएंगे। रीज़न ये है कि करना चाहेंगे मगर कुछ जिम्मेदारियाँ, लाइबिलिटीज़ या फैमिली के कुछ लोगों की वजह से उनके वो प्लान्स रुक जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे, मगर हिम्मत बनाए रखिए क्योंकि आने वाले समय में ये प्लान्स पर वो काम ज़रूर करेंगे। एंजल्स आपके लिए मैसेज लाए हैं कि आलस त्यागे और उठ खड़े हों, कभी कभी आलस की वजह से भी हमारे प्लान्स ब्लॉक हो जाते हैं, तो इसकी तरफ आपको वर्कआउट करने की ज़रूरत है। आपके लिए लकी कलर है ग्रीन और आपके लिए लकी नंबर है 1। आखिरी राशि बेचारे सबसे ज़्यादा वेट करते हैं मीन राशि वाले, तो आखिरी राशि वालों के लिए कार्ड्स काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव आए हैं।
जो लोग अपने प्रमोशन या प्रोग्रेस का वेट कर रहे थे या किसी बड़े काम के होने का वेट कर रहे थे, वो काम या प्रमोशन उनका इस सप्ताह में होता हुआ दिखाई दे रहा है और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वे में दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ किसी मेल पर्सन की तरफ से कोई बड़ा फाइनेंशियल प्रॉफिट भी आपको ये वीक में आने वाला है। एंजल्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि अपनी प्राथमिकताओं को लिखें, यानी अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज़ को समझें और उसके अनुसार आने वाली प्रायोरिटीज़ को तय करें। आपके लिए लकी कलर है ग्रीन और आपके लिए लकी नंबर है 2। तो ये था 12 राशियों का हाल टैरो कार्ड्स के साथ, और साथ ही हर बार की तरह आपको दिया जाएगा टिप ऑफ द वीक। तो टिप ऑफ द वीक इस बार ये है कि अगर आपको लगता है कि आपके घर में कोई नज़र टोक है, कोई नेगेटिविटी है या फिर कोई आपकी तरफ इविल आई दिखा रहा है, आपको लेकर बैठा है, आपके बारे में नेगेटिव थिंकिंग रखता है या कोई ब्लैक मैजिक का असर आपके घर में आपको दिखाई देता है, तो ये छोटा सा उपाय रेगुलर बेसिस पर वंस इन अ वीक आप करना शुरू करें। शनिवार के दिन अपने घर में एक कांच की प्लेट में एक नींबू लेकर उसके 2 टुकड़े करें। उन दोनों टुकड़ों के ऊपर समुद्री नमक यदि आपको अवेलेबल हो तो आप डाल दें, ना हो तो आप रसोई में यूज़ होने वाला नमक भी डाल सकते हैं। ये नमक डाल के इस प्लेट को घर के किसी भी अंधेरे कोने में आप रख दें, और उसके बाद 24 घंटे ये प्लेट रखने के बाद आप इस प्लेट में जितना भी सामान है उसे आप डस्टबिन में डाल दें किसी पॉलीथीन में पैक करके, और उसके बाद आप दूसरा नींबू रख दें। धीरे धीरे जब आपका नींबू ज़्यादा समय तक फ्रेश रहना शुरू हो जाएगा, क्योंकि शुरू में ये आपको काला या येलो ग्रीन होता हुआ ब्राउन होता हुआ दिखेगा, तो जब आपका लास्ट में कुछ समय के बाद ये ज़्यादा समय तक फ्रेश रहना शुरू हो जाए तब आप इस नींबू को ज़्यादा समय तक भी रख सकते हैं। मगर ध्यान रखें कि इसको लास्ट में आपने पॉलीथीन में लपेटकर ही डस्टबिन में डालना है। धीरे धीरे आपके घर की नेगेटिविटीज़ और ब्लैक मैजिक का असर खत्म हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं आचार्य वर्षा माटा आपसे विदा लेती हूँ। फिर से आएंगे नेक्स्ट मंडे टैरो कार्ड्स के साथ। नमस्कार। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।